तो भाई आप भी अमेजोन फ्लिपकार्ट से अगर टेम्पर्ड मंगा रहे हो और बार बार आपके ग्लास पे बबल आ जा रहा है, तो भाई ये वाला तरीका इस्तेमाल करके देखें। ये 110% तरीका आपके बबल्स को सॉल्व कर देगा। तो भाई वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो आज की वीडियो होने वाली है वीवो T1 के साथ में, और क्या करने वाले हैं भाई, इसका ग्लास रिप्लेस करने वाले हैं। तो सामने में देख ले भाई, ये ग्लास सुपर, जो कि भाई बहुत ही अच्छा ग्लास है जिसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ये देख लो भाई, वीवो T1, और ये T1 5G मॉडल, और T1 में से आपको पता लग जाएगा भाई, पीछे का कैमरा देखो तो आपको पता लग जाएगा ये एम्बेडेड स्क्रीन वाला फ़ोन है। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज बता दूँ भाई, ग्लास चेंज करने से पहले मैंने लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले चीज़ आपको, कोई सा भी अच्छा साफ़ कपड़ा ले लो। साफ़ कपड़ा लेने के बाद पूरी अच्छे से स्क्रीन को क्लीन कर लेना है, एक बार साफ़ कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने कि अगर आप फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से ग्लास मंगा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये ग्लास चेंज करने का, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये, आप 10 रुपये का ये अलग से क्लीनर भी मंगा लेना भाई, उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, वो साथ में अटैच में ही आपको जब भी आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो वहाँ से मिल जाता है। तो ये देख लो, तो ये ग्लास चेंज करने से पहले आपको पूरा ध्यान रखना है कि इसको भाई पहले एक बार क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के बाद में, अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद में भाई, ये देखो भाई, यही तरीका है भाई जो बेसिकली आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये सब कोई नहीं करता। ये क्या है भाई, ये आपको देखा होगा भाई, पुराने फ़ोन हम लोग लैमिनेशन करते थे, तो भाई अभी की डेट में भाई बहुत जल्दी भाई कोई फ़ोन लैमिनेशन नहीं कराता, ज़्यादा से ज़्यादा बैक करा लेता है। तो भाई ये लैमिनेशन पेपर है, लैमिनेशन पेपर की जगह मैं आप बता दे रहा हूँ, टेप यूज़ कर सकते हो, एकदम थोड़ा बड़ा साइज वाला टेप यूज़ कर लो, अब बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होता। अगर बाई चांस आपके पास टेप नहीं है तो छोटा वाला टेप मंगा लो, छोटा वाला टेप मंगा करके आप अलग अलग जगह पे एक एक लाइन बना करके पूरा एक बार पूरा लगा दो। उसके बाद में उसको भाई स्क्रीन को 3-4 बार अच्छी तरीके से निकालो, हटाओ, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपका जो टेप है, टेप पूरा डस्ट निकाल देता है, कहीं पर भी कोई थोड़ा बहुत डस्ट पड़ा रह जाए तो वो पूरा निकाल देता है, अच्छे तरीके से निकाल देता है। तो ये देख लो, ये बेसिक मैंने कि तरीका आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जितना भी डस्ट है सब निकल जाएगा, और मैंने ग्लास है, ग्लास फिक्स करते समय तभी आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन पे बता दे रहा, बार बार ग्लास निकलने का प्रॉब्लम बहुत सारे फ़ोन्स पे आता है। तो देख लो भाई, मैंने ग्लास निकाल दिया और एक बार ऐसे भी क्लीन कर दिया, और ये देख लो, खाली साइज अच्छे से तरीके से रखना है, और उसके बाद में ग्लास फिक्स कर देना, मतलब आराम से रख देना है। तो देख लो, एकदम प्रॉपर ग्लास है इसका, एमोलेड स्क्रीन पे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एमोलेड स्क्रीन पे ग्लास रिप्लेसमेंट करते समय तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन देख लो कि ये कितनी आराम से फिक्स हो रहा है, ये आपको इसी से पता लग जाएगा, और सिंगल डॉट भी नहीं आने वाला भाई अगर आप ऐसे इस तरीके से चेंज करोगे। तो सामने में है तो देख लो भाई, कहीं से भी आपको कहीं डॉट लग रहा तो भाई आप कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना अपने भाई को। और ये देख लो भाई, लेटेस्ट वाला T1, तो ये भाई काफ़ी अच्छा रिव्यू एक तरीके का मेरे तरीके से रहा है आपके लिए, तो अपना रिस्पॉन्स देख के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।